आपने केवल पुरुषों को ही फायरिंग या किसी खौफनाक वारदात को अंजाम देते देखा होगा, लेकिन जब इस तरह की वारदात को अंजाम देने पर कोई महिला उतारू हो तो वो मंजर ही कुछ और होता है। दरअसल राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही खौफनाक मामला सामने आया है। उत्तर पूर्वी जिला के चौहान बांगर इलाके से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, वीडियो में आप देखेंगे कि बुर्का पहने एक महिला किराने की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। अंधाधुंध फायरिंग कर रही महिला दुकानदार को गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। वीडियो में आप सुनेंगे कि महिला खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 18 नवंबर का है। दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही महिला का नाम नुसरत बताया जा रहा है, जो दिल्ली के जाफराबाद में रहती है। बताया जा रहा है कि मोहसिन नाम का शख्स नुसरत का भाई है, जो नासिर का साथी है। पुलिस ने महिला के खिलाफ जाफराबाद थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नुसरत की किराने की दुकान चलाने वाले शख्स से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद वो दुकान पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। इस दौरान वहां कई और लोग भी मौजूद थे, जिनमें से एक ने पूरी वारदात को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। फायरिंग कर रही महिला की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के DCP वेद प्रकाश सूर्य के अनुसार फहीम के पास किसी शाहरुख नाम के शख्स का मोबाइल फोन बंधक पड़ा हुआ था, जो वो नहीं लौटा रहा था। इसी को लेकर वो फहीम को धमकाने गई थी और गोली चलाकर उससे डरा रही थी। इसके लिए उसने लोनी के किसी मकसूद से पिस्टल खरीदी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।